हे hey फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा कि यहाँ पे राइटर ने बता दिया कि वो अपनी फूल की जो डलिया होती है उसमें उसका रुई डाल के उसका घर बना देती है। तो लेखिका आगे बताती है, वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकुसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। राइटर कह रही है कि 2 साल के लिए वो उसी का घर रहा और उस घर को वो क्या करता था, जब वो घर में इधर उधर होता था तो वो हिलता था और उसको उसमें मजा आता था। और वो कांच के मन को सिया के मन का एक पत्थर होता है, तो वो कह रही है उसकी जो आंखें थी वो ऐसा लगता था कि कांच का पत्थर हो और उन पत्थरों से वो घर के अंदर और बाहर देखते रहता था और उनसे वो देख के पता नहीं क्या समझता था। ये लेखिका को आज तक समझ नहीं आया, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। परंतु उस गिलहरी की समझदारी मतलब उसकी सूझबूझ और कार्यकलाप जो वो क्रियाएं करता था उस पे सबको आश्चर्य होता था, सबको लगता था कि काफी समझदार जानवर है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी, तीव्र मतलब तेज इच्छा होती थी कि वह उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। कि लेखिका जब भी, क्योंकि लेखिका एक लेखिका थी मतलब रियल लाइफ में भी लेखिका ही थी, तो जब लिखने बैठती थी तो मेरा ध्यान आकर्षित मतलब लेखिका का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए वो क्या करता था, उसके अंदर इतनी ज्यादा तेज इच्छा होती थी कि नहीं लेखिका लिखे नहीं, सारा ध्यान उसका मेरी तरफ रहे। तो उसने इसके लिए एक उपाय खोज निकाला। क्या उपाय था? वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। मतलब वो क्या करता कि वो राइटर के पैर तक आता गुदगुदी एक तरह से, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट है कि वो पैर के पास आएगा तो एक गुदगुदी सी होगी, और फिर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता। मतलब वो आकर लेखिका के पैर को टच करता और फिर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर पर्दे से उतरता उसी तेजी से और फिर आके लेखिका पैर छू जाता। और यह क्रम मतलब यह क्रिया तब तक चल रही होती जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती, मतलब लेखिका उसको पकड़ने के लिए उठती नहीं तब तक यह क्रम चलते रहता, यह सिलसिला चलते रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लेखिका कहती है कि वो जब इसको पकड़ लेती इस क्रिया में करते हुए मतलब गुस्से में, क्योंकि उसको लिखना होता था, तो क्या करती एक लिफाफे में उसको डाल देती और इस तरह डालती कि उसका मुंह और आगे का 2 पैर लिफाफे से बाहर होता और लघु गात यानी उसको पीछे का जो बॉडी है वो लिफाफे के अंदर ही रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटे मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। तो वो क्या करती थी कि उनको उसको लिफाफे में डाल देती थी और लिफाफे से उसका शरीर बस मतलब कि आंख और 2 पंजे आगे के बाहर होते और जो उसका छोटा सा शरीर जो पीछे का भाग है वो पूरा लिफाफे के अंदर रहता। तो वो बेचारा निकल भी नहीं सकता था और कोई हरकत भी नहीं कर सकता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। जब भी उसको भूख लगती तो वो चिक चिक मतलब उस अपने आवाज निकालता जो उनकी गिलहरियों की आवाज होती है, और जब उसे काजू या बिस्किट मिल जाता तो फिर दोनों पंजों से उसे पकड़ के खाने लगता। अब उसमें राइटर ये भी एक तरह से आपको बता दे कि उसको काजू उसकी फेवरेट होती है, मतलब उसका फेवरेट इस काजू होता है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 2 साल की इसकी लाइफ स्पैन होती है, तो पहला बसंत उसकी जिंदगी में आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, जो क्योंकि आपको पता ही है कि उनका एक बगीचा था, तो उसमें जो फूल लगे हुए थे नीम का पौधा भी था चमेली का फूल भी था, उनके गंध राइटर के कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। जो बाहर की गिलहरी थी जो उनके बगीचे की गिलहरिया थी वो खिड़की के जाली के पास जहां उनको उसको गिल्लू को टांगा था राइटर ने, वह आकर चिक चिक करने लगी। अब ये राइटर समझ ना पाती कि वो कहना क्या चाहती, क्योंकि राइटर जानवरों की भाषा तो जानती नहीं थी। गिल्ली को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब वो देखते कि गिल्लू भी बड़े मतलब अपनेपन से उनको बाहर देख रहा होता है, तो लेखिका सोचती है क्यों नहीं इसे मुक्त कर दें, इसे उस डलिए से निकाल दें ताकि ये भी अपने जो बाकी सखी साथी हैं या जो बाकी गिलहरियां उनके साथ रहे। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुची मुक्ति की सांस ली।
इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या आई थी। अब आपने देखा होगा खिड़की पे लोग जालियां लगा देते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल जो है वो घर के अंदर ना आए। तो राइटर क्या करती है कि ये खिड़की से अपने मतलब गिलहरी से मिले, उसके लिए क्या करती है, जाली का एक सिरा जो एक कोना होता है उसके तरफ का कील निकाल देती है, तो एक सिरा जो है खुल जाता है। और गिलहरी छोटी सी प्राणी होती ही है, तो उस छोटे से जो मुख जो खुला होता है खिड़की का मतलब जाली का, वो उससे बाहर की ओर चला जाता है। और एक मुक्ति का मतलब उसमें एक अलग सा अनुभव उसमें होता है, और वो काफी उछाले हुए सब मारता है। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर मेरा कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैं भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिरे से पैर तक दौड़ने लगा। मतलब अब क्या है कि राइटर जब बाहर जाती थी तो गिल्लू भी बाहर चला जाता था और अपने दोस्तों के साथ रहता था, पर जैसे ही राइटर कॉलेज में पढ़ाने के बाद वापस अपने घर को आती थी तो गिल्लू उनके पैर से उनके सर तक चढ़ता, फिर सर से उनके पैर तक दौड़ लगाने लगता। मतलब एक तरह से वो अपना प्यार राइटर के लिए दिखाता। राइटर के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जगह की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। राइटर मतलब यानी राइटर 4 बजे आ जाया करती थी तो वो भी वापस घर में आ जाया करता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजुई की पत्तियों में। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो राइटर को हमेशा चौंकाते रहता था। तो क्या करता था वो, कभी पर्दे की चुन्नट में, तो पर्दे के बीच में जो वो कपड़े का वो एक गत्ता बन जाता है, कभी उसमें छुप जाता था, कभी सोनजुई की पत्तियों में छिप जाता था। और वहां से क्या करता था, जब भी राइटर वहां जाया करती थी तो वो अचानक से राइटर के बॉडी पे जंप मार दिया करता था, जिससे राइटर एक बार को अवाक हो जाती थी या आश्चर्यचकित हो जाती थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि किसी ने लेखिका के थाली में खाना खाया हो, साथ में खाना खाया हो। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था, गिल्लू इनमें ऑड मैन आउट था, यानी कि गिल्लू लेखिका के साथ लेखिका थाली में खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर आ पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। अब राइटर बता रही है कि जब भी वो खाने के लिए बैठती थी तो वो अपने, क्योंकि वो डाइनिंग रूम में बैठती होंगी खाने के लिए, तो वो सोचो पहले आंगन की दीवार बरामदा पार करके वो मेज पे आकर खाने को बैठ जाता। पहले तो वो थाली में ही बैठना चाहता ताकि उसे पूरा टेंशन मिले और पूरा खा सके। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। राइटर कहते कि बड़ी कठिनाई हुई और तब मैंने उसे थाली के पास, थाली में नहीं थाली के बाहर, थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता है। काजू उसका प्रिय खाद्य था, या मैंने पहले भी आपको बता दिया कि खाद्य मतलब खाद्य पदार्थ था, मतलब फेवरेट डिश था। और वो कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। जैसे बच्चे होते हैं कि अगर उनका प्रिय चीज उन्हें काफी दिनों तक नहीं मिले तो वो अन्य चीजें या तो खाना बंद कर देते हैं या फिर लेते हैं तो फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार गिल्लू की स्थिति थी। वो क्या करता था कि जब उसे काजू बहुत दिनों तक नहीं मिलता था तो अन्य चीज खाना या तो बंद कर देता था या उसे फेंकने लगता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत हो उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। राइटर बताती है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण चोटिल होकर, आहत मतलब चोटिल होकर कुछ दिन अस्पताल में लेखिका रही। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसे तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। राइटर बता रही है कि उन दिनों जब वो हॉस्पिटल में थी तो जब लेखिका कमरा खोला जाता तो गिल्लू को ऐसा लगता कि शायद लेखिका आ गई है, तो दौड़ के जाता, लेकिन जब वो देखता कोई दूसरा वहां पे है तो वापस जाके घोंसले में बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। वो बताते कि जो लेखिका के अब्सेंस में जो भी उसका केयर टेक करते थे तो वो उसे काजू दे आते, परंतु जब अस्पताल से लौटकर लेखिका ने झूले की सफाई की तो उसमें सारे काजू भरे हुए मिले, कि मतलब उसने काजू नहीं खाया था। जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा।
इससे ये दिखाता है कि कितना ये लेखिका को लेकर चिंतित था कि क्यों घर नहीं आ रही है, और ये जानवरों का प्रेम भी एक तरह से दिखाता है, प्रेम भाव भी दिखाता है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। कि जब हॉस्पिटल से लेखक जब लेखिका जब घर को आ जाती हैं, तो वो क्या करता था कि वो उनके सिरहाने बैठकर उनके सिर और बालों को हौले हौले अपने पंजों से सहलाता, और वो जब वहां से चला जाता तो ऐसा लगता कि कोई सेविका जो है वहां से हट गई है। मतलब लेखिका की वो इतनी सेवा करता कि एक सेविका की कमी का एहसास होता जब वो वहां नहीं होता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर का काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। अब जब बसंत ऋतु के बाद जब गर्मी का मौसम आया, तो गिल्लू ने क्या करा कि जब दोपहर में राइटर काम कर रही होती थी तो गिल्लू ना बाहर जाता ना झूले में बैठता, क्योंकि बाहर में गर्मी थी और झूले में भी गर्मी थी। तो वो क्या करता था, वो राइटर के नजदीक ही बैठा रहता था, और वो वहां क्या करता था, वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। अब सुराही में आपको पता ही है कि पहले फ्रिज नहीं हुआ करता था, लोग ठंडा पानी पीने के लिए सुराही में पानी रखते थे, जिस वजह से सुराही भी ठंडी रहती थी। तो वो क्या करता कि वो सुराही पर लेट जाता, और इस प्रकार वो लेखिका के समीप यानी निकट भी रहता और ठंडक में भी रहता, यानी सुराही की ठंडक उसे भी मिलती रहती। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। यहाँ राइटर बता रही है कि गिलहरियों की जिंदगी 2 साल से अधिक अवधि मतलब उम्र 2 साल से अधिक नहीं होती, 2 साल से ज्यादा नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ ही गया। अतः जीवन का अंतिम चरण मतलब गिल्लू का जीवन का अंतिम चरण आ भी गया। दिन भर उसने कुछ ना खाया ना बाहर गया। अब क्या, जब आपको पता है कि बुढ़ापे में क्या होता है, आदमी थक सा जाता है, तो दिन भर गिल्लू ना बाहर गया ना कुछ खाया। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। मतलब रात में जब उसको एकदम पता चल गया था गिल्लू को कि आभास तो सबको हो जाता है कि उनका मौत का नजदीक आ गया है, तो अंत की यातना यातना मतलब काफी डिफिकल्टी या जो दर्द होता है उसको हटा के भी मतलब उसको नजरअंदाज करते हुए भी वो झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। और ठंडे पंजों से, क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलब अब मौत के नजदीक आदमी ठंडा सा हो जाता है, तो वो अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ता है और हाथ में चिपक जाता है, वही उंगली जिसे बचपन में पकड़ के लेखिका ने उसे बचाया होता है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, उसे गर्माहट देने का प्रयत्न किया हीटर जला के, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। परंतु प्रभात यानी सुबह की प्रथम किरण, पहली किरण के स्पर्श मतलब छूने के मतलब धरती में जब पहला किरण का टच हुआ, उसके साथ ही वो मर गया और दूसरे जीव उसका झूला उतार कर रख दिया गया। राइटर बता रही है कि अब वो चूंकि मर गया था तो उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है, क्योंकि उसके साथ वाले तो साथ में वो भी बूढ़े होकर मर गए, लेकिन जो नई पीढ़ी आई है वो भी अभी भी गिल्लू के इंतजार में खिड़की के पास चिक चिक करती रहती है। और सुनजूही का बसंत आता ही रहता है, और जो सुनजूही जो जूही का फूल होता है उसका भी बसंत आता ही रहता है। सोनजुही की लता के नीचे गिल्लू की को समाधि दी गई है। मतलब सोनजुही की लता के नीचे, क्योंकि वो उसका फेवरेट स्पॉट होता है, तो उसके नीचे ही उसको दफनाया गया है। इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही का प्रताप छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। और इसलिए भी कि लेखिका को लगता है कि जो जूही का फूल जो छोटा सा खिला है, क्या पता वो नया जीवन लेकर गिल्लू ही हो जो उस फूल के रूप में लेखिका के पास वापस आया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स।